मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी में, हूँ आपके साथ विकास मैं। इस समय मौजूद है करनाल के FCI भारतीय खाद निगम के कार्यालय के बाहर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसान नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो किसानों का कहना है कि जो FCI के द्वारा जो इसको FCI को बंद करने के लिए केंद्र सरकार अपने जोर लगाते हुए नजर आ रही है। और जो मोस्चर जो रखा गया गेहूं के लिए वो 14 पिछले साल रखा गया था, लेकिन जो वो फिलहाल है उसकी 12 कर दिया गया है। और यहां पर जो किसान नेता जगदीप सिंह गोलोर भारतीय किसान यूनियन के बैनर के नीचे जो किसान यहाँ पर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर लाइव तस्वीर FCI गोदाम के बाहर से देखा जा रहा है। एहतियात के मद्देनजर यहाँ पर पुलिस फोर्स भी यहाँ पर लगाई गई है। और जो यहाँ पर किसान नेता जगदीप सिंह, हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। के हवाले पर जो केंद्र सरकार की एक लगातार एक नीति चल रही है, जो FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके माध्यम से हमें ये MSP मिल रहा है और इसी के द्वारा खरीद की जा रही है, इसको सरकार नीतियों में बदलाव कर लगातार इसको कमज़ोर करने का काम कर रही है। और कुल मिला के एक ही मकसद है, FCI को इस देश से ख़त्म करना और इस सारी मार्केट को प्राइवेट हाथों में सौंपना। जैसा कि इन्होंने पिछले कुछ समय से लगातार FCI का बजट घटाती जा रही है सरकार, आए साल इसका बजट कम किया जा रहा है, और जो हमारे फसल के खरीद केंद्र हैं उनको भी कम किया जा रहा है। तो ये, और इसके अलावा जैसे 14% हमारा मॉइस्चर पहले अलाउड होता था गेहूं में, वो घटा के 12% कर दिया जी। ये सारा कुछ इस वजह से किया जा रहा है भाई, इसको इतना ऐसे ऐसे नीतियां बनाओ, ऐसे ऐसे कानून बनाओ जो ये डिपार्टमेंट FCI इसको लगातार कमज़ोर किया जाए। और इसमें जितने कर्मचारी, आगे कोई कर्मचारी इसमें अपॉइंट नहीं किया जा रहा, कच्चे कर्मचारी रखे जा रहे हैं, टेम्परेरी इस डिपार्टमेंट को चलाने का काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ा मकसद एक ही है, इसको किसी तरीके FCI को ख़त्म किया जाए और इसको बंद किया जाए। आज उसी के खिलाफ आज यहाँ पर करनाल में जो संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान था, तो उसमें आज 5 अप्रैल को जो यहाँ पर इनके धरना भी दिया जाएगा और ज्ञापन दिया जाएगा उपभोक्ता मामले के जो मंत्री है केंद्र सरकार के, उनके नाम। तो आज ये जो करनाल का जिला ऑफिस है FCI का, वहाँ पर किसान यूनियन के सभी किसान साथी पहुँचे हैं। तो आज यही विरोध है, जो FCI है वो आज भारत के किसान के लिए एक ज़रूरी संस्था है, उसको मजबूत किया जाए, उसी की मजबूती से ही हमें ये MSP मिलेगा, नहीं तो हमारा MSP भी ख़त्म हो जाएगा, हमारी खरीद भी ख़त्म हो जाएगी। जगदीप जी, धान की अगर बात की जाए, उसमें मॉइस्चर 17 रखा गया था, लेकिन उस पर उतरने के लिए काफ़ी सुखाना पड़ता था जो फसल थी। अगर गेहूँ की बात की जाए, पहले 14 होता था लेकिन 12 रखा गया, क्या आपको लगता है कि 12 मापदंड में आ सकता है गेहूँ? देखो, 12 मॉइस्चर आने में दिक्कत है। देखो, जो हम गेहूँ का मॉइस्चर शुरू से ही 1966 से FCI का गठन हुआ और ये सरकारी खरीद चल रही है, तो शुरू से ही हमारा मॉइस्चर 14% था। जब ये पिछले 50 साल से ये 14% है, तो अब इस साल में 12% करने की ज़रूरत क्यों पैदा हुई? जो हम सीड लेते हैं गेहूँ का, जो उगाते हैं, उस पर जो सरकारी जो एजेंसियाँ भी सीड देती हैं, उस पर भी मॉइस्चर 14% ही होता है। तो आज उसको 12 करना, ये एक तरह से किसान को तंग करना और जानबूझकर तंग करना और FCI को कमज़ोर करना, इसका मकसद एक ही है, कम से कम हमें खरीद करनी पड़े और इनको ज़्यादा से ज़्यादा परेशान किया जाए। और लंबी सोच यही है भाई, इस महकमे को ही ख़त्म करना, जैसे कि हर सरकारी महकमे पर नजर है, रिक्त पद पड़े हैं, उनको भरने की तैयारी नहीं की जा रही, वो खाली पड़े हैं, क्या लगता है उससे? देखो, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जब उसकी जो पोस्टें खाली हैं FCI की, उन सारे कर्मचारियों को टेम्परेरी कच्चे रख के काम चला लिया जाता है। लंबे समय में सरकार की योजना ये है इस डिपार्टमेंट को ख़त्म करने की, तो इसी वजह से ये सारी नीतियां बनाई जा रही हैं। और उसी का विरोध जताने के लिए आज करनाल जिले के किसान यूनियन के सभी साथी कार्यकर्ता पहुंचे हैं, और यहाँ पर अब गेट पर ही धरना दिया जाएगा और उसके बाद ज्ञापन दिया जाएगा। ज्ञापन दिया जाएगा उपभोक्ता मामले के जो भारत सरकार के मंत्री हैं उनके नाम, और मार्फत जो यहाँ पर जो DM होते हैं उनके मार्फत ये ज्ञापन जाएगा। हमारे साथ किसान नेता जगदीप सिंह, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो FCI है, जो उसको कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार बंद करने की फिराक में है, और इसी को लेकर यहाँ पर आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और आप लाइव तस्वीरें करनाल के भारतीय खाद निगम के बाहर, कार्यालय के बाहर से देख रहे हैं, जो भारतीय खाद निगम मंडल का कार्यालय करनाल है, वहाँ पर आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, जहाँ पर किसान नेता यहाँ पर पहुँचे और काफ़ी संख्या में जो किसान यहाँ पर पहुँचे, और एहतियात के मद्देनज़र यहाँ पर जो पुलिस बल भी यहाँ पर लगाया गया। तो कहीं ना कहीं जो किसानों का कहना है कि जो FCI है, उसको कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है बंद करने की फिराक में, क्योंकि लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है कि किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर आज की बात की जाए, तो आज FCI के बाहर जो किसान काफ़ी संख्या में पहुँचे हुए नज़र आ रहे हैं और विरोध प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि जो गेहूँ
मौसम की जो नमी का मापदंड था वो पहले 14 रखा जाता था, लेकिन इस बार उसको 12 कर दिया गया, और जिसकी वजह से गेहूँ बेचने में उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और FCI को कम खरीद करनी पड़ी। इसी को लेकर उनके द्वारा जो खाली रिक्त पद है उनको भी नहीं भरा जा रहा, और जो उनको कम से कम खरीद करनी पड़ी, इसी को लेकर उन्होंने जो 12 मोस्चर की गेहूँ खरीदने का फिलहाल निर्णय लिया। और देखने वाली बात होगी कि क्या केंद्र सरकार इस पर अमल करती है, क्योंकि अगर बात की जाए पिछले साल जो गेहूँ में नमी की मात्रा जो 14 का मापदंड इनकी तरफ से रखा गया था, जिसको अब घटाकर 12 कर दिया गया, और किसानों का कहना है कि उन्हें जो एक मॉइस्चर है उसमें गेहूँ काफ़ी समय बाद आएगी, और इससे तो कहीं ना कहीं किसानों को दिक्कतों का सामना ज़रूर करना पड़ेगा, और इसी को लेकर आज FCI के बाहर जो किसान अपना प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। करनाल से विकास महिला पंजाब के श्री TV करनाल।